दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल है तो आपको उसका URL सेट कर लेना चाहिए। जी हाँ, URL वैसे YouTube पर होता है पर थोड़ा अटपटा सा होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि जो ये नया स्टूडियो आया है इसके अंदर हम अपना कस्टम URL कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीजें जरूरी चाहिए। पहला तो आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए और दूसरा आपका चैनल 1 महीने पुराना होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रिएटर गाइड। दोस्तों क्रिएटर गाइड मैंने 1 अगस्त 2020 को क्रिएट किया था और आज 31 अगस्त 2020 है, यानी 30 दिन से ज्यादा हमें हो गए हैं। 100 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने चैनल आर्ट भी लगाया हुआ है और यहां पर देखिए लोगो भी लगा रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बारीक किसे कि अपना नया URL हम कैसे सेट करेंगे। तो यहां पर हम माई चैनल पर हैं और यहां पर ये देखिए YouTube स्टूडियो का आपको जो नीला रंग का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। ये सब आप लैपटॉप पीसी में भी कर सकते हैं और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप मोबाइल में भी कर सकते हैं अगर आप गूगल जो क्रोम है उसका डेस्कटॉप वर्जन यूज करेंगे। तो ये जब आपके सामने आएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वापस से आना है। साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, आप लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख सकते हैं सेटिंग है और सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेटिंग पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और दूसरा वाला जो ऑप्शन है चैनल आप देखेंगे तो चैनल पर ही आपको क्लिक करना है। जब आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस सेटिंग का, आप देख सकते हैं आपको इस एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर चैनल सेटिंग। यहां पे आपको 3 सेटिंग मिलती है और यहां पे एक सेटिंग मिलती है बीच में, आप देखिए मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, तो आपको मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट पर ही क्लिक करना है। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद एक पेज हमारे यहां पे हमारे सामने एक रिलोड हो गया है, पेज आ चुका है। यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको एक चीज नजर आएगी एडवांस सेटिंग, तो आपको इस एडवांस सेटिंग पर ही क्लिक करना है। तो चलिए हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, यहां पर जो है अभी मैंने ब्लर किया हुआ है, यूजर आईडी और चैनल आईडी यहां पर है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये कस्टम URL का ऑप्शन आ गया है। यहां पे अगर आप एलिजिबल हो कस्टम URL के लिए तो आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यहां पे लिखा हुआ है योर एलिजिबल फॉर ए कस्टम URL, क्लेम इट हेयर, तो यहां पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, क्लेम इट हेयर जो है ना इस पर ही क्लिक करेंगे। तो इस पर हमने चलिए क्लिक कर दिया है। अब यहां पे वो पूछ रहा है कि भाई आप अपने चैनल का जो कस्टम URL है वो क्या रखना चाहते हो, तो फिलहाल है क्रिएटर गाइड, तो मैंने यहां पे क्रिएटर गाइड है, तो मैं देखता हूं कि भाई ये वाला मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पे जो है क्रिएटर गाइड ही रख दिया है, तो मैं यहां पे करूंगा आई हैव जो रीड एग्रीमेंट है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहां पे आप देख लीजिए, एक चीज ध्यान रखिए, अगर इस नाम से पहले से किसी ने URL YouTube पे ले रखा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आप चैनल का नेम रखें आप पहले ये चीज सर्च करके देखें कि यार कभी आपको URL अगर लेना पड़ेगा तो पहले से किसी ने लिया हुआ तो नहीं है इस नेम से। अगर लिया हुआ है तो आप अपने चैनल का नेम डिफरेंट रखें। तो क्रिएटर गाइड का यहां पे नेम जो है लिया हुआ है, नहीं है किसी ने भी। देखिए चेक करने के लिए आप चाहे तो यहां पे कुछ लिख भी सकते हैं, मान लो यू लिखा तो आ गया नहीं लिया हुआ है, तो मैं क्रिएटर गाइड ही लेने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे क्या है, ये सेट हो चुका है youtube.com/creatorguide और यहां पर है चेंज URL, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर भाई ये नाम जो है बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, वो कह रहे हैं मैनी पीपल हैव द सेम नेम एड ए फ्यू एक्स्ट्रा। तो दोस्तों क्रिएटर गाइड तो हमारा नहीं मिल रहा है हमको क्योंकि शायद पहले से किसी ने ले रखा है, तो हम यहां पे कुछ और नाम ऐड करते हैं जैसे कि ऑफिशियल। तो यहां पर ऑफिशियल हम ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि ये हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहां पर देखिए ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब ये वाला हमको मिल जाएगा। हमारा जो URL होगा वो होगा youtube.com/creatorguideofficial। तो चलिए मैं चेंज URL पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो URL है वो चेंज हो चुका है और यहां पर देखिए क्रिएटर गाइड ऑफिशियल आ गया है और यहां पर ये कंफर्म चॉइस हमसे पूछ रहा है, तो मैं कंफर्म कर देता हूं इसको। मैंने यहां पे कंफर्म कर दिया और यहां पर जो है हमारा जो क्रिएटर गाइड ऑफिशियल था वो आ चुका है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है youtube.com ऊपर और मैं यहां पे लिखता हूं क्रिएटर गाइड ऑफिशियल, तो यहां पे हम लिख के देख लेते हैं। तो यहां पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा हमारा ये चैनल खुल जाएगा, तो यहां पे खुल चुका है, यानी हमें क्रिएटर गाइड तो नहीं मिला लेकिन क्रिएटर गाइड ऑफिशियल मिल गया है। इस तरह से आप अपना URL सेट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप अपना
कस्टमाइज यूआरएल सेट करना सीख गए होंगे। तो आपने अगर नहीं किया है अपने चैनल पर तो जरूर कीजिए, यह काफी काम आता है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।